फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारे सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने 23 जून यानी कि कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 24 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैनडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स वॉज इनोग्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। एक जो इंटरनेशनल वर्कशॉप है उसको इनोग्रेट किया था। इसका नाम है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैनडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। और इसको इनोग्रेट किया था किस मिनिस्टर ने? इसको इनोग्रेट किया था जितेंद्र सिंह ने इसको इनोग्रेट किया था। बात की जाए जितेंद्र सिंह की तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। इनकी जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश। थावरचंद गहलोत ने हाल ही में फर्स्ट वर्चुअल कैंप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेज इनोग्रेट किया था। एक वर्चुअल कैंप हुई थी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेज के लिए यानी कि जो मदद जो भी हो सके उसको जिस भी प्रकार से कोई ना कोई हेल्प है या फिर कोई भी असिस्टिव डिवाइसेज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वर्चुअल कैंप का जो है इनोग्रेशन किया था वो किया था थावरचंद गहलोत ने। और कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं जो है ये किनके लिए इनोग्रेट हुआ था? ये जो डिसेबल्ड के लोग होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉम्पोजिट रीजनल जो सेंटर्स हैं उनको इनोग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने अर्जुन मुंडा के साथ मिलके। तो अगर हम बात करते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर्स की तो उसको दो मिनिस्टर्स ने इनोग्रेट किया था। एक तो थावरचंद गहलोत होगा और एक होगा अर्जुन मुंडा। बात की जाए अर्जुन मुंडा की तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, खूंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और राजकुमार सिंह की बात की जाए तो ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने हाल ही में #iCommit एक कैंपेन थी जिसको इन्होंने लॉन्च किया था। और इन्होंने हाल ही में रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी लॉन्च किया था राजकुमार सिंह ने। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरा बिहार है। India has attended 32nd Special Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism Plenary Meeting 2020 under the aegis of FATF, yani ki Financial Action Task Force. FATF is inaugurated in FATF is headquartered in inaugurated nahi headquartered yani ki FATF ka headquarter kahan hai? FATF ka matlab hota hai Financial Action Task Force. Basically ye kya kaam karte hain? FATF mein money laundering ki jo inhone baat ki hai, combating money laundering and financing of terrorism, यानी कि टेररिज्म को फाइनेंस करने को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मैंने कल भी बताया था मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग होता है जब आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इसके लिए FATF ने जो है एक प्लीनरी मीटिंग हुई थी जिसको इंडिया ने अटेंड किया था। FATF के अंडर एक टेररिज्म प्लीनरी मीटिंग हुई थी और इसको 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म प्लीनरी मीटिंग 2020 और ये जो हुई थी इसमें को इंडिया ने हाल ही में अटेंड किया था। और इसमें जो FATF का हेडक्वार्टर है ये पूछा जा रहा है कि वो हेडक्वार्टर कहाँ है। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में होता है FATF का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर होता है पेरिस फ्रांस में। और लंदन UK में होता है MNST इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है न्यूयॉर्क USA में। The Indian Financial Technology and Allied Services यानी कि IFTAS wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India has appointed whom as its chairman। ये IFTAS है, ये wholly owned subsidiary है Reserve Bank of India की। और इसके chairman के रूप में हाल ही में किन को नियुक्त किया गया? तो इसके chairman के रूप में हाल ही में T. Ravi Shankar को हाल ही में इसके chairman के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। बात की जाए बाकियों की देखे थे बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो गोविंदा राजुलू चिंटाला ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं, हाल ही में इनको अपॉइंटमेंट हुआ है। UB प्रवीण राव जो है ये नासकॉम के चेयरमैन हैं,
ये भी 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तरुण बजाज की बात की जाए तो ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। इन्होंने अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस किया है और तरुण बजाज को जो RBI है उसके सेंट्रल बोर्ड के उसके डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इनका तरुण बजाज का अपॉइंटमेंट हुआ है। द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTS होली ओन सब्सिडरी ऑफ RBI हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स CHIEF होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया, तो चेयरमैन के रूप में IFTS ने किसने अपॉइंट किया है, टी रवि शंकर को। और अगर बात की जाए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया IFTS ने, तो CEO हैं इसके एन राजेंद्रन हैं CEO ऑफ IFTS। बात की जाए अगर आभास झा की, तो ये कौन है, आभास झा हैं प्रैक्टिस मैनेजर, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है एज प्रैक्टिस मैनेजर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट चेंज, प्रैक्टिस मैनेजर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर क्लाइमेट चेंज। अजय तिरके की बात की जाए तो ये क्या है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अभी इनका 2020 में भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में अजय तिरके का अपॉइंटमेंट हुआ है। बात की जाए जुबैर इकबाल की, तो ये इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जुबैर इकबाल को अपॉइंट किया गया है हाल ही में। Who has been re-nominated as the part-time non-official director of Reserve Bank of India? किसको re-nominate किया गया as part-time non-official director of on Reserve Bank of India Central Board? Reserve Bank of India के Central Board के part-time non-official director के रूप में किसे re-nominate किया गया है, तो इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है as part-time non-official director on Reserve Bank of India Central Board। और बात की जाए देखिए बाकी ऑप्शन की, तरुण बजाज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। अजय महाजन की बात की जाए तो ये कौन है, अजय महाजन है MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग के MD एंड CEO हैं अजय महाजन। और उर्जित पटेल की बात की जाए तो इनका बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, इनको क्या बने हाल ही में, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के रूप में उर्जित पटेल का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। Which Indian economist has won 2020 Peace Prize by the Board of Trustees of the Peace Prize of the German Book Trade for his decades-long work on questions of global justice? Questions of global justice पे जो इन्होंने काम किया है, इसके लिए जो ये economist हैं इनको 2020 Peace Prize मिला है। और ये prize दिया किसने, Board of Trustees of the Peace Prize of German Book Trade, German Book Trade के Board of Trustees ने Peace Prize दिया है इन economist को, क्योंकि इन्होंने जो long decades जो काम किया है किस पे, questions of ग्लोबल जस्टिस पे। तो ये इकोनॉमिस्ट कौन है, ये इकोनॉमिस्ट रहे जिनको प्राइज मिला, इनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन, इनका क्या नाम है, अमर्त्य कुमार सेन। बात की जाए रघुराम राजन की, तो इनको IMF ने अपनी कमेटी में जो COVID-19 की वजह से जो भी इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको ठीक करने के लिए एक उसको मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई थी IMF ने, और उसमें रघुराम राजन को उस कमेटी में इंक्लूड किया गया है। लक्ष्मण सिंह लहल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिनाउंड। लक्ष्मण सिंह लहल का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे, वे एक आर्मी पर्सोनल थे, ही वॉज आर्मी पर्सोनल। बात की जो ऑथर की, तो अभी हाल ही में आनंद मोहन दुटशी गुलजार दहलवी हैं ये, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक ऑथर थे। और एक रोनाल्ड विवियान स्मिथ, ये भी ऑथर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया 2020 में ही। और फ्रीडम फाइटर की बात की जाए तो हेमा भरोली, इनका भी 2020 में ही निधन हो गया, और ये क्या थी, एक फ्रीडम फाइटर थी। Which bank have entered into a partnership with four insurance companies, namely State Bank of India Life Insurance Company, Oriental Insurance Company and Religare Health Insurance Company and Star Health and Allied Insurance Company to offer various insurance products for its customers? यानी कि अपने customers को insurance products offer करने के लिए इस bank ने चार insurance company का मैंने नाम दिया हुआ है, इन चार insurance company को जो है के साथ partnership की है। तो ये कौन सा bank है जिसने किया है, तो ये बैंक है यूको बैंक। इस बैंक का नाम क्या है, यूको बैंक।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्या किया है, जो अपने लैंडिंग ऑपरेशंस हैं उन्हें फुली डिजिटल कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बात की जाए कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप की थी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप की थी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाल ही में। Which country will serve as the President of UN Security Council for August 2021? हाल ही में इंडिया यानी कि जो कंट्री है इसका आंसर तो इंडिया है, और इंडिया को अभी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं एज यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के, यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर August 2021। और इनको हाल ही में नॉन परमानेंट मेम्बर भी बनाया गया था इंडिया को यू एन सिक्योरिटी काउंसिल को, और इंडिया के साथ इन तीन कंट्रीज़ को भी यू एन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यू एन एस सी के नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा बात कर लीजिए अगर हम आयरलैंड की बात करें, इसका कैपिटल होता है डब्लिन और करेंसी होती है यूरो। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको का कैपिटल होता है मैक्सिको सिटी, करेंसी होती है मेक्सिकन पीसो। नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे का कैपिटल होता है ओस्लो, करेंसी होती है नॉर्वेजियन क्रोन। गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन बिहार, विच इज़ द नॉडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। कल मैंने पूरा पढ़ाया था इस अभियान के बारे में, तो कल की क्लास आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में इस अभियान के बारे में बताया था। तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फ्रॉम बिहार, और इसकी जो नॉडल मिनिस्ट्री है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेगी वो नॉडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो कौन है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनके पास टोटल कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश, मोरेना मध्य प्रदेश है नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में पीएम स्वनिधि लॉन्च किया था, पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की थी। ये योजना भी मैंने पूरी डिटेल में परसों की क्लास में पढ़ाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सॉरी लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि योजना को। और बात की जाए इस मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी। इनके पास एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं इनके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं सिविल एविएशन के भी, और ये राज्यसभा एमपी हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा एमपी हैं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। और बात की जाए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हैं पीयूष गोयल, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी हैं, और ये हैं राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, राज्यसभा एमपी हैं ये महाराष्ट्र से। Which union minister has inaugurated one of the India's largest and first virtual healthcare and hygiene expo? India की पहली और सबसे बड़ी virtual healthcare और hygiene expo 2020 ये कौन से union minister ने inaugurate की थी, और इस जो expo है इसको inaugurate किया था Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry फिक्की ने। तो बात की जाए कौन से union minister ने इसे inaugurate किया था, इसे inaugurate किया था मनसुख एल मंडाविया ने इसे inaugurate किया था। ये कौन है, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर शिपिंग, और ये क्या है, ये है राज्यसभा एमपी गुजरात, राज्यसभा एमपी है गुजरात से। बात की जाए अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं चांदनी चौक दिल्ली, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। और इन्होंने हर्षवर्धन ने इंडिया का पहला आई लैब जो है वो इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में, इंडिया का पहला आई लैब इनॉग्रेट करने वाले मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली में, इन्होंने इनॉग्रेट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और अर्थ साइंसेज मिनिस्टर भी हैं, और साइंसेज मिनिस्ट्री भी हर्षवर्धन जी के पास है, और ये जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है दामोह मध्य प्रदेश। जितेंद्र सिंह की बात की जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। के सुरेंद्रन पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज के सुरेंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे, ये पॉलिटिशियन थे, ये बेसिकली केरला से पॉलिटिशियन थे, केरला से क्या थे पॉलिटिशियन थे।
एक्टर की बात की जाए जो अभी ओबिचुरी रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, वो भी एक एक्टर थे। ऋषि कपूर और इरफान खान भी एक्टर्स थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और एक थे चिरंजीवी सारजा, ये कन्नड़ एक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ऑथर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में। वोकलिस्ट हैं श्यामला जी भावे, ये एक वोकलिस्ट हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। राजेंद्र गोयल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, यानी कि ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। ये क्या थे? क्रिकेट से रिलेटेड थे। अच्छा, एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रैश शेख, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। टेबल टेनिस की बात करें, मनमीत सिंह वालिया ये टेबल टेनिस चैंपियन रहे थे, फॉर्मर टेबल टेनिस चैंपियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। टेनिस एशले कूपर, फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनका नाम है एशले कूपर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और फुटबॉल की बात करें तो गीगी सिमोनी ये क्या रही हैं? फुटबॉल कोच रही हैं, इनका हाल ये फुटबॉल कोच रहे हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और छुन्नी गोस्वामी ये फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैव जॉइंड हैंड्स विद विच IIT इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जो है अचीव करने में, जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करने में जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसने किस इंडिया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया इसने किस IIT के साथ जो है मिलके ये बात कही है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो वो IIT रही है, IIT दिल्ली। वो कौन सी IIT? IIT का नाम है IIT दिल्ली। बात की जाए IIT बॉम्बे की, तो IIT बॉम्बे ने अभी एक रैंकिंग आई थी जिसका नाम था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें IIT बॉम्बे ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था। ग्लोबली तो टॉप किया था MIT USA ने, MIT यूनिवर्सिटी है USA में, उसने जो है टॉप किया था, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी में जिसने टॉप किया वो है IIT बॉम्बे, और इसकी रैंक रही थी 172 इसमें। IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर ने हाल ही में डेवलप किया था एक AI बेस्ड सिस्टम जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करा जा सके, और ये IIT खड़गपुर ने किया था। कैंपेन कॉल्ड नमस्ते योगा हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री फ्रॉम 19 to 21 June 2020। एक कैंपेन थी जिसका नाम था नमस्ते योगा, और उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? फ्रॉम 19 June to 21 June। ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इसे लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रहलाद सिंह पटेल के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज भी यही संभाल रहे हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह मध्य प्रदेश। और बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता चुकी हूँ मैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है, चांदनी चौक चाइना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये हैं प्रकाश जावड़ेकर के पास टोटल कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने संरक्षण प्रोग्राम भी लॉन्च किया था हाल ही में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह जी के पास, और ये है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश है, राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र। बुक टाइटल्ड लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये बुक हाल ही में किसने लिखी है? ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, ऑथर किया है इसको। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी थी हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये बुक लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने, इसका नाम था हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, और ये रस्किन बॉन्ड की बुक थी, हाल ही में इन्होंने लिखी है। सुधा मूर्ति की बात की जाए हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, ये सुधा मूर्ति की बुक है। कृतिका पांडे इनको शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला था, हाल ही में कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है कृतिका पांडे को अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए। Which bank has jointly launched first of its kind co-branded healthcare card called Swasth Card with Delhi-based fintech startup Afforplan? Afforplan के साथ मिलकर स्वास्थ्य कार्ड एक हेल्थकेयर कार्ड लॉन्च किया था इस बैंक ने, और वो बैंक कौन सा है? इस बैंक का नाम है येस बैंक है इस बैंक का नाम। बात की जाए अगर येस बैंक की हम बात करें तो इन्होंने हाल ही में डिश टीवी में स्टेक अक्वायर किया है। बात की जाए ICICI बैंक की तो ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश हाल ही में लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? अभी इंडसइंड बैंक ने करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दी है कि आप इसके ऐप के थ्रू करंट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के थ्रू, तो इस वजह से इंडसइंड बैंक रहा न्यूज़ में।
और HDFC बैंक ने क्या किया है, HDFC बैंक ने हाल ही में क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है Hyundai मोटर्स के साथ मिलकर। और HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी HDFC बैंक ने ही हाल ही में लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो EKYC फैसिलिटी देने की बात कही अपने कस्टमर्स को। विच इंडियन कंपनी हैज़ वैल्यूड 11.50 trillion, विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11 trillion। 11 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुँचने के तक के लिए ये कौन सी पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है, ये वो इंडियन कंपनी है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा बात करें अगर हम लोग विप्रो की, तो विप्रो की थियरी डेलापोर्टे जो हैं उनको अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में विप्रो के CEO के रूप में, और ये पहले नॉन इंडियन रहेंगे जो विप्रो के CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। JSW के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया, फरवरी 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW। ये क्रिकेटर हैं, उनका नाम है ऋषभ पंत इनका नाम है। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे हम कब मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे हम मनाते हैं 21 जून को, 21 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे, और वर्ल्ड योगा डे भी, इंटरनेशनल योगा डे भी हम लोग June 21 को ही मनाते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट एट नमक्कल इन तमिलनाडु टुगेदर विद 5 CBG स्टेशन फॉर ऑटोमोबाइल्स हैव बीन रिमोटेडली इनॉग्रेटेड जॉइंटली बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इडापड्डी के पलाना स्वामी एंड यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। क्या बात कह रहे हैं ये लोग ये बात है, ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया गया है, उसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया है। ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है कहाँ, पहले तो इम्पॉर्टेंट बनता है ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है। ये इनॉग्रेट हुआ है नमक्कल में जो कि तमिलनाडु में है, और ये 5 टुगेदर विद 5 CBG स्टेशन 5 compressed बायोगैस स्टेशन के साथ फॉर ऑटोमोबाइल्स हैव बीन रिमोटली इनॉग्रेटेड। और पहले तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया जो कि कहाँ, बेसिकली याद रखने वाली चीज़ यही है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया, ये प्लांट है नमक्कल तमिलनाडु में, इसको इनॉग्रेट किया है जॉइंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जिनका नाम है इडापड्डी के पलाना स्वामी एंड यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो ये कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और ये राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। तो बेसिकली यही याद रखना है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जिसका नमक्कल तमिलनाडु में इनॉग्रेशन हुआ है, और इसको किसने इनॉग्रेट किया, इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इडापड्डी के पलाना स्वामी एंड यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। द फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार दैट वॉज होस्टेड बाई इन्वेस्ट इंडिया हैज बिन लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल। फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम दैट वॉज एक फूड प्रोसेसिंग एडिशन है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार के थ्रू ये होस्ट किया है इन्वेस्ट इंडिया ने, इसको लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। दिस फोरम और लॉन्च क्यों किया गया, दिस फोरम वॉज लॉन्च्ड टू कंडक्ट डिटेल्ड इंटरेक्शन बिटवीन लीडिंग ग्लोबल कंपनीज इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये किस लिए लॉन्च हुआ है कि जिससे डिटेल्ड इंटरेक्शन हो सके बिटवीन लीडिंग ग्लोबल कंपनीज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ द सेंट्रल एंड 6 state government। और वे कौन सी 6 state government है, ये स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग एडिशन एक लॉन्च हुआ है थ्रू वेबिनार, इसको होस्ट किया है इन्वेस्ट इंडिया ने, और ये लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल ने। और बात मेनली यही बात, ये इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी भटिंडा पंजाब। अ न्यू किचन स्कीम, एक किचन स्कीम लॉन्च की है किसने, राजस्थान ने, आइए पूरा पढ़ते हैं। अ न्यू किचन स्कीम नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कॉल्ड इंदिरा रसोई योजना विल शॉर्टली बी लॉन्च इन राजस्थान फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू द पुअर एंड नीडी ट्वाइस अ डे ऑन कंसेशनल रेट्स।
द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड ₹100 crore एवरी ईयर ऑन द स्कीम. क्या बात कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि एक नई किचन स्कीम लॉन्च की है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं, इनका नाम है इंदिरा गांधी जी. ये जो स्कीम है इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना. ये लॉन्च होगी राजस्थान में, जिससे कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जा सके जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनको. ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जा सके ज़रूरतमंदों को और गरीबों को कंसेशनल रेट्स पे. स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 100 crore रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी. इस स्कीम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 100 crore रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी. अच्छा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा. कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं. इंटरनेशनल विडोज़ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन June 23. June 23 को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल विडोज़ डे मनाते हैं. इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ ऑब्जर्व ऑन June 23, और June 23 को ही हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाते हैं. दिस डे इज सेलिब्रेटेड सिंस 1948 से ये दिन मनाया जा रहा है. मैं मेंशन इसलिए कर देती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी डीप पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये 1948 से मनाया जा रहा है. और ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो मनाया कब जाता है? 23 June को. बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं. पूर्णिमा जना ने फॉर्मर इंडियन एयर राइफल शूटर एंड एन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन लाइसेंस्ड कोच हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज 42. पूर्णिमा जनाने ये क्या हैं? एयर राइफल शूटर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया. ये 42 इयर्स की थी. बेसिकली इनको कैंसर था और कैंसर से ही इनकी डेथ हो गई. और ये क्या थी? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ये लाइसेंस्ड कोच भी थी. बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है. अगर पूछा जाए ये शूटर हैं. अ न्यू प्रोजेक्ट KBL माइक्रो मित्र हैव बीन लॉन्च बाय कर्नाटका बैंक फॉर MSMEs टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 lakh टू द माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं KBL माइक्रो मित्र ये लॉन्च किया है, एक नया प्रोजेक्ट है. ये किसका प्रोजेक्ट है? कर्नाटका बैंक का ये एक प्रोजेक्ट है. बैंक का नाम इंपॉर्टेंट बनता है. किसने लॉन्च किया और क्या लॉन्च किया? KBL माइक्रो मित्र है नाम. बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके 10 lakh rupees तक के जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस हैं फॉर वर्किंग कैपिटल के रूप में और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए 10 lakh rupees की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी प्रोवाइड करी जा सके. उसके लिए कर्नाटका बैंक ने KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है. MSMEs के लिए इसको लॉन्च किया गया. इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि किसने लॉन्च किया? कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? KBL माइक्रो मित्र. के कर्नाटका बैंक की बात की जाए, हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका में और इसके MD and CEO हैं महाबलेश्वरा एम एस है MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक. फॉर्मर कर्नाटका बास्केटबॉल स्टार प्लेयर के रघुनाथ पास्ड अवे रिसेंटली. के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया. फॉर्मर कर्नाटका बास्केटबॉल स्टार थे. बेसिकली किससे रिलेटेड है? कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है. नाम है के रघुनाथ. रमेश पोखरियाल निशांक यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर लॉन्च युक्ति 2.0. युक्ति से अगर आपको याद आ रहा है तो युक्ति हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. अब ये युक्ति 2.0 है. ये क्या है? चलिए देखते हैं. टू हेल्प सिस्टमैटिकली असिमिलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप इन आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए युक्ति 2.0 को लॉन्च किया है. और किसने लॉन्च किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशांक. HRD मिनिस्टर हैं हमारे. अर्लियर मिनिस्टर हैड लॉन्च्ड द युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन वेब पोर्टल. पहले क्या एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था? युक्ति नाम है. युक्ति का फुल फॉर्म है, इसका नाम है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. और ये लॉन्च किया था HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक और हरिद्वार उत्तराखंड बनती है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? 23 June को मनाया जाता है. यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 June को हम मनाते हैं.
Former India opener and domestic stalwart Waseem Jafar has been appointed head coach of Uttarakhand cricket team. Waseem Jafar को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है. इंपॉर्टेंट होता है नाम वसीम जाफर और कहाँ के क्रिकेट कोच हेड कोच नहीं क्रिकेट क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के. IIT बॉम्बे क्रिएटेड अ चिप नेम्ड ध्रुव that can be mounted in a smartphones and navigation devices to find places and routes within the country. ये एक चिप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने जिसका नाम है ध्रुव. इसके थ्रू क्या कर जा सकता है, ये स्मार्टफोन्स में लगाया जा सकता है जिससे कि नेविगेशन और नेविगेशन डिवाइसेस में इसको इंसर्ट किया जा सकता है जिससे कि प्लेसेस और रूट्स फाइंड किया जाए विद इन द कंट्री में. जो भी प्लेसेस हैं जो भी रूट्स हैं अगर हमें उनको फाइंड आउट करना है तो इस चिप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. IIT बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया, इसका नाम है ध्रुव. विश्व बंधु गुप्ता फॉर्मर MP एंड जर्नलिस्ट निक नेम्ड बालून मैन द हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज 93. विश्व बंधु गुप्ता ये क्या है, फॉर्मर MP और एंड जर्नलिस्ट हैं. ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी से हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया. इनका निक नेम था बलून मैन. निक नेम मैंने इसलिए मैंशन कर दिया कि कैसा भी नाम आए तो हम लोग बता सकें आंसर कर सकें. एग्जाम में भी नेवर नो कैसे एग्जामिनर एग्जाम सेट करें कैसे क्वेश्चन सेट करें तो इस वजह से मैंने निक नेम भी मैंशन कर दिया है. इनका हाल ही में निधन हो गया 93 वर्ष के. नाम था विश्वबंधु गुप्ता. नागालैंड स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी एट इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा हैज बीन सिलेक्टेड टू एस्टैब्लिश एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंट KISC. जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स को जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है सेटअप करने के लिए. तो ये अब नागालैंड के स्टेट और स्पोर्ट्स अकेडमी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है कोहिमा जो कि कोहिमा में है या इसको एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर ₹50,000 crore टू येस बैंक फॉर 3 months टू हेल्प प्राइवेट लेंडर्स टू कवर अ शॉर्टफॉल इन डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स में शॉर्टफॉल के लिए जो प्राइवेट लेंडर्स को शॉर्टफॉल होता है डिपॉजिट में उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्पेशल लिक्विडिटी विंडो यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है एक तरीके की 50,000 crore की. कौन से बैंक को, येस बैंक को. इंपॉर्टेंट बनता है कितनी एक है 50,000 crore है अमाउंट और किसको दिया, येस बैंक को. येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और MD and CEO हैं प्रशांत कुमार. MD and CEO हैं प्रशांत कुमार. आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. हम कल फिर आएंगे कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको लेके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.